इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने बीएनपी रहनुमा अख्तर हुसैन लांगू और शफी मोहम्मद को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे ताहिर नसीर से। ताहिर अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, देखिए सेनेट हाल में घुसने असला ले जाने पर बीएनपी रहनुमाओं को दो रोजा जिस्मानी रिमांड खत्म होने पर इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिपरा के रूबरू पेश किया गया। पुलिस ने अख्तर हुसैन लांगू और शफी मोहम्मद को एटीसी अदालत में पेश किया। दौरान समात जज ताहिर अब्बास सिपरा ने तफ्तीशी से इस्तफसार किया कि आप मजीद जिस्मानी रिमांड मांग रहे हैं, किस बुनियाद पर पहले दो दिन का रिमांड दिया गया, जिस पर तफ्तीशी ने यह मौकफ अपनाया कि वेपन बरामद करना है इसलिए जिस्मानी रिमांड दिया जाए। ताहिर अब्बास सिपरा ने रिमांड दिए कौन सा वेपन बरामद करना है, किसी गवाह ने बताया, किसी का बयान है। तफ्तीशी ऑफिसर ने अदालत को आगाह किया कि मुलजमान मजाहमत के दौरान जेब में हाथ डालते रहे। इस पर ताहिर अब्बास सिपरा ने यह रिमांड दी कि मैं भी सर्दियों में जेब में हाथ डालता रहता था, जिस पर अदालत ने कह के जो है वो गूंज देता हम। अदालत ने यह भी रिमांड दी कि सेक्रेटरी जो मुदई है इसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई, सिक्योरिटी की जिम्मेदारी कौन है, सेनेट की सिक्योरिटी का हेड कौन है, सिक्योरिटी से पूछे थे कोई कार्रवाई हुई, अगर मसल्ला लोग अंदर आ गए तो इसकी जिम्मेदार पार्लियामेंट की सिक्योरिटी है, मैं और आप नहीं है। ताहिर अब्बास सिपरा ने रिमांड दी। तहम अदालत ने दलाल सुनने के बाद बीएनपी रहनुमाओं के जिस्मानी रिमांड की सजा मुस्तरद करते हुए दोनों को जुडिशियल रिमांड पर जेल भिजवा दिया है। जी बहुत शुक्रिया ताहिर।